आफ्टरनून आज आप इस पार्ट में पढ़ाएंगे अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है और आंखों के वर्गीकरण में आपका आज पढ़ना है अपकेंद्रण। यह वह विधि है जिसमें विभिन्न घनत्व वाले ठोस अथवा द्रव कणों को एक परत नली में भरकर तथा इसे तेज गति से घुमाकर स्थिर किया जाता है। ध्यान दीजिए, आप दूध को मनते हुए दही को मनते हुए देखे होंगे, दूध से पहले क्या बनता है? दही बनता है। दूध से दही रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का। अच्छा, अब उस दही को मथा जाता है मथनी से। आप देखे होंगे दूध को मथनी से मथा जाता है, तो हम कहते हैं कि मथनी से मथने के बाद इसमें से क्या निकलेगा? क्रीम निकलेगा, उसमें से क्रीम की प्राप्ति होगी। तो मथनी से निकालने पर जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रण। मलाई का निकालना, मलाई का निकालना, क्रीम का निकालना कौन सी विधि है? अपकेंद्रण विधि। यही लिखा है, यह वह विधि है जिसमें विभिन्न घनत्व वाले ठोस मतलब विभिन्न घनत्व वाले ठोस अथवा द्रव दोनों कणों को एक परत नली में भरकर इसे तेज गति से घुमाया जाता है, घुमाकर के चलता है। ठीक है, तो यह ठोस के लिए भी होता है और द्रव के लिए। द्रव के लिए तो आप उदाहरण बताया, जैसे कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया गया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का यह अंतिम हेडिंग था आपका अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है आपको बता दिया गया। यह वह विधि है जिससे विभिन्न घनत्व वाले ठोस अथवा द्रव कणों को एक परत नली में भरकर तथा इसे तेज गति से घुमाकर पृथक किया जाता है। उदाहरण में आपको बता दिए, डेयरियों के दूध से क्रीम को अलग करना, मक्खन को अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता। तो आप इसका नोट बना लीजिएगा, लास्ट हेडिंग दिखाइए।